नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जबलपुर में माफिया के खिलाफ अभियान, दो बदमाशों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। बदमाश पप्पू वकील शकील के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। रद्दी चौकी पर 11,000 वर्ग फुट में अवैध निर्माण किया गया था। चार दुकान और गोदाम को पुलिस ने ध्वस्त किया है। जमीन और अवैध निर्माण की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रद्दी चौकी पर 11,000 वर्ग फुट में अवैध निर्माण किया गया था। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे कि ध्वस्त किया गया है, माफिया के खिलाफ ये विशेष अभियान चलाया गया और सरकार की तरफ से ये पहले ही सख्त संदेश दिया जा चुका है कि जहां पर भी अगर अवैध अतिक्रमण होंगे या जो माफिया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जबलपुर से बड़ी खबर है, बदमाश पप्पू वकील शकील के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पीला पंजा जो है उनके तमाम मकानों पर चला है। रद्दी चौकी पर 11,000 वर्ग फुट में अवैध निर्माण कराया गया था। जमीन और अवैध निर्माण की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई है। जबलपुर में माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो बदमाशों के अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर।